400 कुछ वोटा थे चुनाव से रह गए थे। इस बार आप पिछले रिकॉर्ड टूट के बहुत ज्यादा वोटा ने जिता। कभी जीत सकती बटाले चो ना अकाली दल जीत सकता। दोनों की वोट जी डिवाइड हो के 20,000 के करीब रहती है तो उन्होंने इलेक्शन नहीं जीत सकते। मिलेगा तो असी बटाला पहला हलका होएगा पंजाब जरा लिख के लावे कि ड्रग फ्री बटाला। नशा बेचने वाले लोग जड़े इलाके जहाँ तो बटाले बाहर जाएंगे या जेलों जाए की लक तोड़न की गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की थी पिछली बार। सौ भी चुकी गई उससे बहुत विवाद होंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर रैली अगेंस्ट ड्रग्स असी की थी। वक्रे वक्रे कॉम्बीनेशन है बट मध्य कांग्रेस जीत रही है ये मैं तुम दस रहा। पार्टी पिछले बार कहते 100 सीट ले जावे आई 18 तखीर से जरा 5 साल बीते नहीं तो रह गई 10। आसान है करना बड़ा औखा। हर राजनीतिक पार्टी और हर पॉलिटिकल आगू नूं वो गल कहनी चाहिए जिहड़ी सिरे चढ़दे। बाबूशाही देख रहे सारयां दा स्वागत है। हलका बटाला तो कांग्रेस उम्मीदवार अश्वनी सेखड़ी जी मौजूद ने साडे नाल गलबात करांगे अपने चोण प्रचार च जुटे हुए ने। अश्वनी जी की लग रहा है इस बार पिछली बार जिहड़ी कच रह गई सी पूरी होगी इस बार? देखो बड़ा प्यार मिल रहा है बहुत आशीर्वाद मिल रहा है बटाला के पिंड और शहर च बहुत ज़्यादा लोगों का स्नेह मिल रहा। पिछली बार 400 कुछ वोटा के चुनाव च रह गए थे। इस बार आप पिछले रिकॉर्ड टूटन के बहुत ज़्यादा वोटा ने जिता। आप 2012 च 19,000 वोट से जीते सी। इस बार उस तो बाद चुनाव जित के आवा। इस बार फाइट बड़ी सख्त टफ लग रही है जी। थोड़े पुराने साथी रहे फतेह जंग बाजवा भी थोड़े अगेंस्ट ने बीजेपी तो ने श्रोमणी अकाली दल तो है ही है उस भी सुचा सिंह छोटेपुर है रीसेंटली आए ने। सो किवें लगता है भी लोग जड़े ने कांग्रेस वाल जाएंगे? देखो बीजेपी तो अकाली दल कंबीनेशन चुनाव लड़ते तो कुछ साइज ऑफ वोट बनता है। ये जो तो वक्रे वक्रे लगते लड़ते हैं बटाले च तदे लोधी नगर साहब जो दूजी कॉन्स्टिटेंसी चले गए ना बीजेपी कभी जीत सकती बटाले चो ना अकाली दल जीत सकता। दोनों की वोट जी डिवाइड होकर 20,000 के करीब रहती है तो उन्होंने इलेक्शन नहीं जीत सकते। ना तो बीजेपी कभी जीत सकती है ना अकाली दल जीत सकता। बटाले की गल करिए जी बटाला बहुत पुराना शहर हैगा पर उस तरीके दे नाल विकास इतने नहीं हो पाया की कारण मानते हो कितने कमियां रह गई? देखो बटाला बड़ा पुरातन शहर है। गुरु नानक देव जी की शादी 532 साल पहला बटाले च हुई। अमृतसर साहब तो बाद च बस बटा पंजाब के बहुत सारे शहर बाद च आए। ये पुरातन शहर है इत्थे पोलीटिकल स्टेबिलिटी चाहिए आ। मैं लोगों को बेनती कर रहा ताकत बटाले च अगर आ जाएगी तो बटाला भी तरक्की कर जाएगा। एक वेले मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि अभी बॉर्डर पर बैठे हैं और लैंडलॉक एरिया है। इत्थे एक्सपोर्ट पाकिस्तान से असी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल इशूज ने। बट ये है कि बटाले पोटेंशियल बहुत है। गुरु साहब की शादी इत्थे हुई जेडे गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान है और ननकाना साहब वो भी पाकिस्तान है। गुरु साहब ज्योति जोत समाए करतारपुर साहब वो भी पाकिस्तान है। सिर्फ उन्होंने जोड़ा मेन याद वाला स्थान है वो बटाला जिते शादी हुई। असी इतने असी कर पास करवा दिता है कि बटाला का जरा अंदरून शहर है उत्थे हैरीटेज सिटी बनावा जिते गुरुद्वारा डेरा साहब गुरुद्वारा कंध साहब जिते शादी हुई काली माता का मंदिर सारा असी बिल्कुल ब्यूटीफाई करना। जिस तरह हरिमंदर साहब के आस पास सारे टाइल ला के बनाया असी वह जहाँ शहर बनाना कि पंजाब के लोग चाहे पंजाब बैठे ने चाहे पंजा इंडिया च कितने बैठे ने या इंडिया तो बाहर बैठे ने वो भी अपने बच्चे की शादी करन उत्थे आन जिथे दुनिया का पहला आनंद कारज होया। गुरु साहब की शादी गुरु नानक देव जी की माता सुरक्षा हुई पवित्र स्थान है। हजारों लोग आने के बटाला आपे बसेगा
होर भी ऐलान कई किए ने, डल्ला पिंड अपना कंपेनिंग कर रहे हो, उसे शुगर मिल की जी लिया की गल की, लगता कि फायदा होगा जी? घर घर च बेरोजगारी, कोई इंडस्ट्री आई नहीं। डल्ला जरा मेरे मैं थोड़ा सॉरी टोक रहा, पिछली बार कांग्रेस ने कहा घर घर च नौकरी देने का वादा किया, कैप्टन साहब ने यह भी कहता कि मैं लगभग सारे वादे पूरे करते जी। नहीं, कैप्टन साहब के वादे तो कैप्टन साहब जवाब देने, जो अश्विनी सिकरी कहता करके दिखा। मैं तो यह समझना फिजिबल गल कर रहा कि डल्ला है, इतने जमीन हैगी पंचायत की 15 किलोमीटर तो दूर है, पहली मेल परले बने साढ़े। अज यूपी च और महाराष्ट्र हर 15 किलोमीटर मेल लगी है, इतने क्यों नहीं लग सकती? बटाले लावे, कादिया के कोल है, नाले कादिया शहर भी है साढ़ा, डल्ला है अपने बटाले हल्के का पिंड है, अवश्य इतने शुगर मिल लगावे और डल्ले दे हर घर च। अश्वनी सेखड़ी की कंपेनिंग लगातार जारी है बटाले हल्के के पिंडा च, गलबात जारी करांगे। सेखड़ी साहब, तुसी जिक्र कर रहे थे नशा बहुत वड्डा मुद्दा बनया होया जी, किवें दूर किया जाऊगा, थोनू मौका मिलेगा जी? देखो, मैं ऐलान कर रहा कि बटाला च खास तौर पर आपां पहरा देंगे, जिहड़ा ये नशा चल रहा जिहड़ा साढ़े नौजवानों की जिंदगी खराब कर रहा, असीं इहदे विरुद्ध हां, असीं इहनूं बंद करना बटाले च, कुछ भी करना पवे मैं मौका मिलेगा तो असी बटाला पहला हलका होएगा पंजाब च जिहड़ा लिख के लावांगे कि ड्रग फ्री बटाला। इत्थों दे पिंडां च, इत्थों दे शहर च मेरे लोग सारे लामबंद हो गए, मैंने सरपंचा ने कहा, मैंबरां ने कहा, आम साढ़े लंबरदारा ने, जिन्हें लीडर्स ने साढ़े MC साहब ने, XMC ने, समाजिक आगू ने, असी फैसला कर लिया कि असी बटाले च नशे खत्म करना चाहते हैं, नौजवान बच्चों ने जिंदगियां बचाना चाहते हैं, उहदे लई असी सारे लामबंद हो के एडमिनिस्ट्रेशन नाल कोऑपरेट करांगे, पुलिस की सहायता लवेंगे, तो नशा जिहड़ा वा असी बटाले तो दूर भजावांगे। असी अनाउंस किया है कि नशा बेचण वाले लोग जिहड़े ने इलाके च, जां ते बटाले बाहर जाणगे जां जेलों जाणगे, जेलों जेल च जाणगे। एक सधारण जिहा साडा साथी उठिया, उहने कहा जी पुलिस वाले भी भकांदे ने, तो मैं उत्थे अनाउंस किया इहो जिहे पुलिस वाले ब्यासों पार बचावांगे, उहनूं असीं माझे च नहीं रहण देणा। ये नशे की लक तोड़न की गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की थी पिछली बार, सहु भी चुकी गई, उससे बहुत विवाद होंदा है। सो तुसी हुण आप एडमिट किया कि शरेआम गली गली जिहड़ा हैगा नशा विक रहा है, फिर उदों जिहड़ा वो प्रोमिस किया गया सी पूरा नहीं होया, हुण दोबारा लोग कांग्रेस से किवें यकीन करन? देखो ब्रदर, जे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मेरा ख्याल अश्विनी सेखरी ने जिहड़ी एंटी ड्रग ट्रैक्टर रैली की थी पिछले 5 साल च, सब तो वड्डी रैली मैं की, साढ़े बटाले लोगों ने ट्रैक्टर कट्ठे किए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर रैली अगेंस्ट ड्रग्स असी की सी। असी लोग विल तो हैगी है, रस्ता लभ रहे, ताकत आएगी तो रस्ता भी मिल जाएगा, और असी ये काम करके दिखावांगे। माझे दे विच हुण कांग्रेस की किवें पोजीशन देख रहे हो, तो टक्कर किहदे नाल देख रहे हो, श्रोमणी अकाली दल नाल या आम आदमी पार्टी नाल? हर सीट के वक्रे वक्रे कंबीनेशन है, बट माझे च कांग्रेस जीत रही है, ये मैं तुम्हें दस रहा, हर सीट पर कांग्रेस जी एडवांटेज है। आम आदमी पार्टी भी क्लेम कर रही है कि इस बार माझा मालवा दुआबा हर जगह पर जी लोग मन बना चुके हैं कि चेंज लैके आना, तो उन्होंने मौका मिलेगा? देखो, आम आदमी पार्टी जी पंजाब तो बाहरली पार्टी है, पंजाब के लोगों की पार्टी नहीं है, ये जड़े लोग ने बाहरों आकर डिक्टेट कर रहे, साढ़े पंजाबी वीर गुमराह कर रहे, पॉलिसियां भी वो लैके आ रहे जी पंजाब ने तलक ही नहीं रख दी। हूँ ये आम पार्टी पिछली बार कहती 100 सीट ले जावे, आईया 18, तखीर तो जरा 5 साल बीते नहीं तो रह गई 10, हूँ पता नहीं किनिया लैके आए, वो तो खुद ही पोलीटिकली स्टेबल नहीं है, तो वोट किने देने उन्होंने, किसने नहीं देने? सेक्रेटरी साहब, एक तुसी गल कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर जो बयान देंदे ने कि जो फ्रीबीज बारे गल करते हैं, 1000-1000 रुपया हर एक औरत को दिता जाऊगा, तुसी गल कही कि खजाना पहले ही पंजाब का बहुत बुरे हाल है खजाने के, तो वो किवें देंगे कोई सोर्स नहीं दस रहा, इस तरह के ऐलान है थोड़े वालों भी पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने किए ने, उस तो वड्डे ऐलान किए हैं, फिर उदों की लगता उदों सोर्स कितों आऊगा जी? देखो, मैं सोचता पाया कि कह लेना आसान है, करना बड़ा औखा, हर राजनीतिक पार्टी और हर पोलीटिकल आगू नूं वो गल कहनी चाहिए जी सिरे चढ़ जाए। सिद्धू साहब तो यही कहें कि मैं जो कर सकता उही कह रहा, पर मैं समझना कि जिहड़ा केजरीवाल कह रहे हैं कि 1000 रुपया हर औरत नूं देना चाहता पंजाब, और 1000 करोड़ रुपया हर महीने कित्थों लैके आएगा, मेरी समझ तो बाहर, पंजाब दे खजाना अगे टाइट है,
तनखावां दित्तियां नहीं जांदियां। मुलाजमां दे जिहड़े तरक्कियां उन्हां दे मुद्दे आ उह सॉल्व करन लई पैसे नहीं है, तो 1000 करोड़ रुपया कित्थों लै के आना मेरी समझ तो बाहर है। केजरीवाल साहब, मैं तुहानूं इह दसना चाहुंदा कि पंजाबी गैरत वाले लोग ने, साडियां मावां, साडियां भैणां, साडियां बेटियां तुहाडे अगे 1000 लई हाथ नहीं फैलांदियां, असीं मंगते नहीं हैं। अगर देना तो साडे बच्चों नूं काम दिओ, साडे लोगों नूं बिजनेस दिओ, साडे बच्चों नूं नौकरी दिओ, असीं खुद कमा लांगे ना। 10000 कमाइए जां 20000 कमाइए जां 50000 कमाइए, वो साडी लियाकत है, पर सानूं काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरियां चाहिए, सानूं भीख नहीं चाहिए। सो जिहड़ा भी लीडर ऐसी गल करदा वो साडी बेटियां दी, साडी मावां दी, साडे देवियां दी बेइज्जती कर रहा, उन्हूं इहो जिही गल नहीं करनी चाहिए। हाँ, दिओ बिजनेस, तुसीं कहो ना कि असीं औरतां नूं, हर औरत नूं घट्टो घट्ट जिस तरह मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, और उन्होंने गरंटी कर दी थी कि इन्ने आवर्स का असी काम दे, इन्ने दिनों का काम देंगे असी साल, तुसीं दिओ औरतों काम, उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस दिओ, उन्होंने कोई जॉब्स दिओ, उन्होंने घर बैठे काम करने का कोई करके दिखाओ। ये गल ठीक नहीं है, मैं समझना गलत है। ये फ्रीबीज बारे आप गल कर, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो इस तो भी वड्डे वड्डे जिहड़े आ वादे कर दिते ने, फिर तो तुसीं वो भी मनोगे भी ये भी गलत गल है जी? मैं सिद्धू साहब के खिलाफ नहीं कोई गल कह रहा, मैं तो अपनी राय दे रहा केजरीवाल के बयान से। सिद्धू साहब वधिया लीडर ने, साडे प्रधान ने, असी उन्होंने नाल है, जे वो कोई प्रोग्राम ऐसा लैके आएंगे तो असी उन्होंने नाल चलांगे। चन्नी साहब की सरकार बनने वाली है, एक आम परिवार च उठे बच्चे की, शड्यूल कास्ट बच्चे अज ताकत मिली है, महिला जो निकल के ताकत जी है, गरीब बच्चे मिली है, गरीब परिवार के बच्चे मिली है, असी सारे वो नाल हैं, अज सारे पंजाब के लोग उन्होंने पढ़ाना चाहते हैं। शुक्रिया जी। सो इस अश्वनी सेखड़ी जी जिहड़े कांग्रेस के उम्मीदवार ने बटाला हलके तो लगातार अपना चोण प्रचार आ जिहड़ा वो जारी रख्या होया, इन्होंने बटाले हलके दे पिंडां दा दौरा किया जा रहा। पिछली बार इलैक्शन कॉन्टेस्ट किया गया सीगा इस सीट तो, पर जित हासिल नहीं कर पाए सीगे। इस बार लोगों के यही गल्लां लैके जा रहे हैं कि पिछली बार के जिहड़े कामकार सीगे बटाला हलका नूं कोई बहुता फायदा नहीं होया, जिहड़े इत्थों अकाली दल के MLA जिते सीगे, तो उन्होंने मौका दिता जाऊगा तो वह बहुत वड्डा जिहड़ा बदल है इस हल्के दे विच लियाउण दे लई तैयारियां जिहड़ियां ने वह कर रहे हैं। बटाला तो कैमरामैन आकाशदीप दे नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबू शाही टाइम्स। बार बार बदलाव दियां गल्लां कीतियां जांदियां ने, बदलाव की हुंदा है? अज तो कुछ साल पिछे जाके देखो तो पंजाब दे हालात की सी, पानी नहीं सी, बिजली नहीं सी, सड़कां नहीं सी, सिख्या नहीं सी, कोई सेहत सहूलियत नहीं सी। पर अज 20 साल बाद पंजाब दे हालात देखो, पंजाब विच किन्ना सुधार होया है। बदलाव सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ले आ सकता है। जेड़े लोग बदलाव दियां गल्लां करदे ने, उन्हां ने दूजी पार्टी चो कड्डे होए लीडरां नूं आप दे विच शामिल कर लिया। की ये बदलाव है? ओ किवें बदलाव ले आ सकदे ने जो निकम्मे ते नकारे होए लीडर्स ने दूजियां पार्टियां दे? बदलाव ओ है जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कीता है पिछले 10 सालां विच। तुसी खुद पंजाब च देख सकते हो, एयरपोर्ट मोहाली तो लेके अमृतसर, आदमपुर, लुधियाना, ए है बदलाव। जिन्निया यादगारां बनिया ओस नू कहंदे ने बदलाव, जिन्निया सड़कां बनिया ओस नू कहंदे ने बदलाव, बिजली सरप्लस कीती ओस नू कहंदे ने बदलाव, हर इलाके विच मेरिटोरियस स्कूल बनाए ओस नू कहंदे ने बदलाव, पंजाब नू हमेशा तरक्की दी राह ते तोरना ओस नू कहंदे ने बदलाव, मां खेड कबड्डी नू फर्श तो अर्श तक लेके जाना ओस नू कहंदे ने बदलाव, हॉकी स्टेडियम बनवाए ओस नू कहंदे ने बदलाव, पंजाब विच बीबिया दी पुलिस भर्ती कीती ओस नू कहंदे ने बदलाव, होर पता नहीं किन्ने ही अनेका कम जिन्हां ने पंजाब नू बदलिया ओस नू कहंदे ने बदलाव। जे चाहुंदे हो बदलाव, मुड़ ले आओ बादल सरकार।